गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मेरे लास्ट एमटी प्रोडक्ट वाले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि अगर आप लोग बायोटिक का सीरम बाय करने के बारे में सोच रहे हैं, ये बायोटिक का हेयर सीरम है, इसे बाय करने के बारे में सोच रहे हैं, तो मुझे अपना एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना था। अगर आप मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा कि ये सीरम मैं अपने हर मंथली फेवरेट में या हर शॉपिंग हॉल में या एमटीज में जरूर शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं इसे हर मंथ यूज करती हूँ। जब भी ये फिनिश हो जाता है मैं इसे दोबारा से बाई करती हूँ। बट एमटीज वाले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि फर्स्ट टाइम मुझे एक फेक प्रोडक्ट रिसीव हुआ है। अगर आपके पास दो प्रोडक्ट हैं, एक फेक और एक ओरिजिनल, तो आप उन्हें साइड बाय साइड देख के पता कर सकती हैं कि कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा फेक है, क्योंकि दोनों के पैकेजिंग में, प्रिंटिंग में भी बहुत फर्क है और दोनों के इनर प्रोडक्ट में भी बहुत फर्क है। लेकिन तब क्या हो जब आपके पास सिर्फ एक प्रोडक्ट हो या आप फर्स्ट टाइम बाय कर रही हैं और आपको ना पता हो कि वो प्रोडक्ट जो है वो ओरिजिनल है या फेक है, तो आप उससे कैसे पता कर सकती हैं? तो आज की वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, साथ ही साथ साइड बाय साइड दोनों पैकेजिंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा फेक है। तो साइड बाय साइड देख के आपको भी पता चल जाएगा ओरिजिनल और फेक में क्या डिफरेंस है। तो अगर आप जानना चाहते हैं ये सभी बातें तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, बट उससे पहले मेक श्योर जरूर कर लें कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस सीरम को ट्राई नहीं किया है तो ट्राई जरूर करिएगा, आपको ये सीरम बहुत पसंद आएगा, स्पेशली अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है तो। बाय द वे ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं अपना एक्सपीरियंस ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, शॉपिंग करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं शॉपिंग की ही, एक होता है ऑफलाइन और एक होता है ऑनलाइन। जहां तक रही बात ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन आप प्रोडक्ट को सिर्फ ऑन स्क्रीन ही देख सकते हैं, हाथ में लेके नहीं देख सकते हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा कि प्रोडक्ट जो है वो कैसा है, ओरिजिनल है या फेक है, क्योंकि वहां पे सिर्फ उसकी पिक्चर ही होती है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम बाय करने जा रही हैं या जो भी आपका एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप इस सीरम को ऑनलाइन ना बाय करिए। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि अगर हम इसे ऑनलाइन ना बाय करें तो हम इसे कैसे बाय करें। आप इसे ऑफलाइन बाय करिए मेडिकल स्टोर से। आपको ये ड्रग स्टोर या मेडिकल स्टोर पे इजीली मिल जाएगा हर जगह पे। तो वहाँ पे क्या होता है कि पहली बात तो मेडिकल स्टोर पे आपको सारे प्रोडक्ट जो हैं वो ओरिजिनल ही मिलेंगे, और दूसरी बात ये है कि आप वहाँ पे प्रोडक्ट देख सकती हैं कि हाँ आपने प्रोडक्ट हाथ में ले लिया कि इसकी पैकेजिंग कैसी है, प्रिंटिंग कैसी है, प्रोडक्ट जो अंदर है वो कैसा है, तो ये सब चीज़ें आप देख सकती हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ओरिजिनल कौन सा है और फेक कौन सा है। इसलिए अगर आपको बिल्कुल भी डाउट है, वैसे मैंने इसे हमेशा नायका से ही बाय किया है, एक आध बार मैंने कभी पर्पल से बाय किया है तो बात अलग है, बट मैंने इसे नायका से ही बाय किया था और मुझे जो फेक रिसीव हुआ था वो नायका से ही रिसीव हुआ था। तो ये मत सोचिएगा कि सिर्फ अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे ही आपको फेक प्रोडक्ट मिलते हैं, फेक प्रोडक्ट आपको कहीं पे भी मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है जो कि आप बहुत ध्यान देंगी तभी आपको पता चलेगा। इसलिए ऑनलाइन को छोड़ दीजिए और ऑफलाइन केमिस्ट या ड्रग स्टोर से ही बाय करिए, आपको वहां पे ओरिजिनल प्रोडक्ट ही रिसीव होगा। पॉइंट नंबर टू, जब भी आप प्रोडक्ट को बाय करिए, देखिए अगर आप प्रोडक्ट पहली बार बाय कर रही हैं तो ऐसे प्रिंटिंग से आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा फेक है, क्योंकि मैंने दोनों साइड बाय साइड कंपेयर किए हैं, जो कि मैं आगे वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो काफी मुश्किल होता है ऐसे साइड बाय साइड देखना। तो प्रिंटिंग आप जाने दीजिए, आप ध्यान दीजिए प्रोडक्ट पे। जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा लिक्विडी है, मतलब कि एकदम पानी जैसा इसका टेक्सचर है और टच करने में भी एग्जैक्ट पानी ही है, ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, एकदम रनी है, बिल्कुल भी थिक नहीं है, जो कि ओरिजिनल है। और जो फेक है
पहला पॉइंट तो वो काफी ठीक है, काफी से मेरा मतलब ये है कि काफी ठीक है, जो कि मैं आगे वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर इसके साथ कंपेयर करें तो कम से कम 3 से 4 गुना ठीक है। और दूसरी बात ये है कि वो हल्का सा प्रोडक्ट, जब आप उसे ऐसे टच करेंगी तो वो हल्का सा ऑयली भी फील होता है, ऑयल जैसा ऑयली नहीं बट ऑयली भी फील होता है। तो ये दो डिफरेंस आपको ऐसे देखने में पता चल जाएगा। अब आप सोचेंगे कि टच करने के लिए तो प्रोडक्ट ओपन करना पड़ेगा, तो अगर हम बाय कर नहीं करेंगे या बाय करने जा रहे हैं तो हम ओपन कैसे कर सकते हैं? तो सबसे सही तरीका है कि यहाँ से आप इसे देख सकते हैं कि बिल्कुल लिक्विड जैसा है, एकदम रनी पानी जैसा है। तो हाँ, ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है, तो आप इसे बाय कर सकती हैं, आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट ही रिसीव होगा। अब एक क्वेश्चन जो आप लोगों के माइंड में जरूर आएगा, मुझे पता है कि हो सकता है लास्ट टाइम ही आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट रिसीव हुआ हो, बाकी टाइम आपको फेक प्रोडक्ट रिसीव हुए हैं। हाँ, ये बात मैं मान सकती हूँ कि हो सकता है मुझे लास्ट टाइम ही ओरिजिनल रिसीव हुआ था, या हो सकता है ये भी फेक हो। लेकिन जो वर्क ये करता है, वो लास्ट टाइम जो मैंने बाय किया था वो बिल्कुल भी वैसा वर्क नहीं करता है। अगर मैं उसके वर्क की बात करूँ तो उसमें कुछ भी, कोई भी वर्क नहीं है। आप सिर्फ उसे एज अ ऑयल या एज अ सीरम यूज कर लीजिए, नथिंग, कोई भी वर्क वो आपके लिए नहीं करेगा। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि लास्ट टाइम जो प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ था वही फेक था, ना कि ये या जो इससे पहले प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुए हैं वो फेक। देख लेते हैं दोनों ही प्रोडक्ट का साइड बाय साइड कंपैरिजन, वहाँ पे मैं आपके साथ प्रिंटिंग भी शेयर कर दूंगी, प्रोडक्ट भी शेयर कर दूंगी, तो आपको एग्जैक्ट आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट ओरिजिनल है और कौन सा प्रोडक्ट फेक है। अगर आप दोनों बॉटल को एक साथ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों में से कौन सा ओरिजिनल सीरम है। ये है ओरिजिनल सीरम। सबसे पहले बात करेंगे इस राइटिंग की या इस अल्फ़ाबेट की। ओरिजिनल में ये अल्फ़ाबेट पतले हैं और जो डुप्लीकेट है उसमें देखिए अल्फ़ाबेट जो हैं वो थोड़े से मोटे और थोड़े से बोल्ड हैं। और यहाँ पे बायोटिक का जो मेन सिंबल है वो ओरिजिनल में थोड़ा सा बोल्ड है, जबकि जो लोकल लोकल नहीं है, जो डुप्लीकेट है उसमें देखिए कितना पतला है। दोनों साइड बाय साइड मैंने इसीलिए रखे हैं ताकि आपको पता चल सके। और फ्लावर का अगर आप कलर देखें तो जो डुप्लीकेट है उसका जो फ्लावर है वो थोड़ा सा लाइट है और ये फ्लावर थोड़ा सा डार्क है। मतलब हर अल्फाबेट अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि सारे ही अल्फाबेट जो हैं उनमें कितना डिफरेंस है। इन्हें देखिए, इन ये थोड़े से अलग टाइप से लिखे गए हैं। और ये देखिए यहाँ पे इंटेंस हेयर ग्रोथ लिखा है, तो वहाँ पे अल्फाबेट कैसे हैं और ये ओरिजिनल वाले बॉटल में इंटेंस हेयर ग्रोथ किस तरह से लिखा गया है। ये तो हुई फिलहाल पैकेजिंग की बात। तो ये है ओरिजिनल की पहचान कि ओरिजिनल कैसे है और डुप्लीकेट कैसा है। अब बारी आती है प्रोडक्ट की। तो अगर आप जो ओरिजिनल है उसका प्रोडक्ट देखें तो ये बहुत ज़्यादा लिक्विडी है, जबकि जो डुप्लीकेट है ये बहुत ज़्यादा थिक है। मतलब मैंने इतना थिक ये सीरम कभी भी यूज़ नहीं किया है। और मुझे फर्स्ट टाइम ही जब मैंने इस प्रोडक्ट को ओपन किया तो मुझे पता चल गया था कि ये ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है वो बहुत थिक था, जबकि मैंने बायोटिक का ये सीरम बहुत, मतलब शायद तो बहुत सारी बॉटल यूज़ कर ली हैं, ऐसा एक्सपीरियंस मेरा बिल्कुल भी नहीं रहा है। तो अगर आप बाय करती हैं तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप मेडिकल स्टोर से बाय करिएगा, ऑनलाइन बिल्कुल मत बाय करिएगा, अदरवाइज़ आपको भी ऐसा ही फेक प्रोडक्ट रिसीव हो सकता है। और क्योंकि अगर आपके पास एक ही होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ओरिजिनल है या फेक है, इसलिए अगर आप फेक प्रोडक्ट से बचना चाहती हैं तो मेडिकल स्टोर से ही बाय करिएगा, वही आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि अगर आप बायोटिक का ये माउंटेन एवेनी सीरम बाय करने के बारे में सोच रही हैं तो प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, अदरवाइज आपको ये नहीं पता चलेगा कि जो प्रोडक्ट आप बाय करने जा रही हैं वो ओरिजिनल है या फिर फेक। और मैं तो यही कहूंगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने ट्राई नहीं किया है तो प्लीज ट्राई जरूर करिएगा, आपको ये सीरम बहुत पसंद आएगा, लेकिन ओरिजिनल ही बाय करिएगा, फेक बिल्कुल भी बाय मत करिएगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसे
कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपने एंजॉय किया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे वीडियोज के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर। बाय।